राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि हम सपना देखते हैं। देखिए मित्रों, हम सपने में बहुत सारी चीजें देखते हैं और जो चीजें हमारे निजी जिंदगी में पूरी नहीं हो पाती, कभी कभी वो हम सपने में पूरा होते हुए देखते हैं और बड़े खुश होते हैं। ऐसे ही सपने में कभी कभी भगवान जी के दर्शन होते हैं, हम अपने इष्ट अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। और यदि ऐसे में आप भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करने वाले हो और आपको सपने में साक्षात भगवान शिव दिखाई दे जाएं, या आपको शिवलिंग दिखाई देती है, या फिर आपको ऐसा दिखाई देता है कि हम शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, किसी मंदिर में विचरण कर रहे हैं, भोलेनाथ के मंदिर में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उससे क्या लाभ होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि यदि आपको सपने में शिवलिंग दिखाई देता है या आप शिवलिंग की पूजा करते हुए आप सपना देख रहे हैं, तो उसके क्या क्या लाभ हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। सपने में भगवान शिव की मूर्ति देखना या फिर शिवलिंग देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप किसी भी देवी देवता को अपने सपने में देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है। ऐसा कहा जाता है कि सपने में भोलेनाथ का किसी भी रूप में दिखना जीवन में बहुत से आश्चर्यजनक परिवर्तन लाने वाला माना जाता है। सपने में शिवलिंग का जलाभिषेक करना या फिर पूजा करते हुए दिखाई देना, ये सब हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण फल लेकर आते हैं। और भगवान शिव से जुड़े ऐसे ही कुछ सपनों के बारे में आज आपको मैं बताने वाली हूँ। देखिए, अगर आप भगवान शिव के परम भक्त हैं और आप खुद को सपने में शिवलिंग की पूजा करते हुए देखते हैं, तो ये बहुत ही शुभ संयोग माना जाता है। सपने में शिव जी के दर्शन करना आपके जीवन में तरक्की के शुभ संकेत और मनोकामना पूर्ण होने के संकेत देता है। तो देखिए, सबसे पहले बताते हैं सपने में शिवलिंग का दिखना इसका क्या मतलब है। ऐसा मानते हैं कि यदि सपने में आपको शिवलिंग दिखाई दे तो निजी जीवन में आपका कोई बहु प्रतीक्षित कार्य बनने वाला है। ऐसा कहते हैं कि आपको उस कार्य में सफलता मिलना तय है। भोले बाबा का हाथ आपके ऊपर है। जो भी आप कार्य करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे नौकरी के लिए, चाहे शादी संबंध के लिए, चाहे घर मकान के लिए, चाहे प्रॉपर्टी के लिए, तो वो अवश्य ही आपका काम बनने वाला है। दूसरा, हम बात करेंगे सपने में शिवलिंग की पूजा करते हुए देखना। यदि आपने सपने में खुद को शिवलिंग की पूजा करते देखा है, तो समझ लीजिए आपके जीवन में सभी प्रकार के अशुभ तत्वों का नाश होने वाला है। ऐसा सपना अच्छा समय लेकर आता है और जो हमारी परेशानियां चल रही हैं उनको दूर करता है। यह सपना किसी की अधूरी इच्छा पूरी होने की मनोकामना को पूर्ण होने का संकेत देता है। तीसरा पॉइंट है, सपने में सब परिवार भगवान शिव की पूजा करना। यदि आपको पूरा शिव परिवार दिखाई दे रहा है, तो उसका क्या तात्पर्य है। यदि आप खुद को अपने परिवार के साथ शिव जी की पूजा करते देखते हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि आप अपने काम में पूरे त्याग समर्पण और ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं। ऐसा सपना आना बताता है कि कार्य क्षेत्र में आपकी आने वाली परेशानियां जल्द ही दूर होने वाली हैं। आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य आने वाला है। ऐसा सपना सुख समृद्धि उन्नति सब चीजें लेकर आपके पास आएगा और आपकी जो परेशानियां उनको दूर करेगा। और यदि सपने में आप सफेद शिवलिंग देखते हैं, जी हाँ, मार्बल या सफेद शिवलिंग आप देखते हैं, अगर आपको सपने में यदि सफेद शिवलिंग के दर्शन हो, तो ये इस बात का संकेत माना जाता है कि आने वाले वक्त में आपको या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य को यदि रोग है, तो उस रोग से छुटकारा मिलने वाला है और आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये सपना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, उत्तम है। और प्यारे मित्रों, यदि आपको सपने में शिव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने को मिल जाए, या आप शिव मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, या फिर आप बैठे हैं, या फिर आपको शिव मंदिर की सीढ़ियां सपने में दिखाई दे रही हैं, तो उसका क्या तात्पर्य है। सपने में शिव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना भी असल जीवन में बहुत ही शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन में सुख शांति की ओर बढ़ रहे हैं। जो संघर्ष का दौर है वो आपके जीवन का समाप्त तो हो रहा है और जल्दी ही आपको आपकी डेस्टिनी मिलने वाली है। जी हाँ, जल्दी ही आप अपने जो मुकाम है उसको हासिल करने वाले, आपको सब कुछ मिलने वाला है। जी हाँ, तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमें अच्छी चीजों की ओर दर्शाती हैं। यदि हम शिवलिंग, शिव मंदिर, शिव परिवार या ऐसे कुछ भी चीज अपने सपने में देखते हैं, तो ये बेहद लाभकारी और हमारे लिए अच्छी मानी जाती है। हालांकि बहुत आसान नहीं है भगवान के दर्शन सपने में
में करना बहुत ही, हम पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आप अपने आचरण को शुद्ध रखते हैं, तब जाकर कहीं हमें सपने में हमारे प्रभु के, हमारे आराध्य के, हमारे इष्ट के दर्शन होते हैं। अगर आपका मन शुद्ध नहीं है, आपका मन खराब है, तो आपको कभी भी भगवान के दर्शन सपने में भी नहीं होंगे और आप मंदिर में भी जाकर भगवान के दर्शन नहीं कर पाओगे। यदि आपका मन खराब है, आप कुविचार रखते हैं, ईर्ष्या या जलन भाव ना रखते हैं, तो आपको भगवान के दर्शन मंदिर में भी नहीं होंगे। तो प्यारे मित्रों, ये मैंने आपको बताया कि यदि आपको सपने में किसी भी प्रकार की शिवलिंग दिखाई देती है या शिव परिवार दिखाई देता है, तो उसका क्या क्या तात्पर्य है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। यदि वाकई में आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।